घटना की बात कहने के लिए आप लोगों के सामने। मैं तो सिर्फ एक ही बात सोचता हूं कि आज अगर जो आप लोगों के सामने खड़ा होने का मौका मिला है तो ये आप लोगों का प्यार है। कोशिश की मैंने के मैं भी मोहम्मद रफी साहब के एक हद तक गीत गाके जाऊं। मैं तो सिर्फ बस इतना ही कहूंगा, मुझे आवाज लग रही होती मुझे ताली बजा देना चाहिए। अरे मुझे मित्रवादी के नाम से पहचानते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहने के लिए आया हूं जो मां सरस्वती ने मेरे कंठ में दिया है, वह मैं उस समय पेश कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात देख लोग मुझे धर्मेंद्र के नाम से पहचानते हैं और राहुल भाई मेरी वीडियो बुलाना क्योंकि इस वीडियो को अपने घर पर दिखाऊंगा। मुझे प्यार से लोग अमरेश पुरी के नाम से पहचानते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये आप लोगों का प्यार है जो मैं आसमान में से आया हूं यहां पर मरसों का नाम इसलिए आसमान से। सच्ची बात तो एक ही बात कहूंगा कि लोग मुझे शक्ति कपूर के नाम से पहचानते हैं। आओ बनना जोश के बहुत बढ़िया जोरदार तालियों की तालियों के साथ साथ नोटों की भी मदद जरूरत कीजिए क्योंकि एक कलाकार जिसमें इतनी बड़ी कला है वो टूटने ना पाए, बस वो कड़ी जुड़ी रहे। प्लीज कह रही तालियां बजाने का यही बोल है। आओ एक आवाज सीखी है मैंने अजय देवगन जिस करोड़ की बात करना चाहते हैं क्या जानना चाहते हैं जीना मुझे हिंदुस्तान से नहीं हिंदुस्तानियों से है। ये चीजें मैं बहुत खुश नसीब हूँ भगवान को माँ सरस्वती को बहुत करता हूँ अपने घर में परिवार में बोलता रहता हूँ और ऐसे अब तो जागृत करने लगा हूँ तो सभी मोहल चीजों तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो अपना दो रोटी में घर पे प्रोग्राम है और वहां पर सारे कलाकार रहे रफी साहब किशोर दा और मुकेश जी मोहम्मद जी जिस तरीके मैंने बने वो उस टाइम तो कर फिट था उस टाइम तो कुछ रहा था तो मैंने कहा कि बच्चन से कह रहे और भाई साहब क्या है हमारे घर पर शादी है। सबसे बड़ी बात तो है कहा लेकिन नसीब वाले हैं जो हमारे घर पे कुछ कलाकार कुछ फनकार पहुंचे और आप देखे मोहम्मद रफी साहब आइए देखे हमारा नसीब है देखे आज जो हमारे शादी में पहुंचे तो पाकिस्तानी माता पिता आपको आए देखे एक बार ताली बजा रफी साहब आइए देखे आए और रफी साहब की बात कहकर देंगे आज हमारी बेटी की शादी है तो हम चाहते हैं कि आप कुछ गुना गुनगुना के दिखा दीजिए। तो रफी साहब जैसे गाना लिया क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भोले का दिल जिस दिन तूने वो दिन जिंदगी का आखिरी क्या शहर छोड़ जाऊंगा। और मेरे किशोर का जो बैठे मोहम्मद रफी साहब बैठे थे क्या आप बड़ा खुश नसीब का दिन है जो अरे बेवकूफ मैं सुनने के लिए अगर जो तुम्हारी शादी में पहुंचा हूं तो मैं मुकेश को पसंद करता हूं। और मुकेश जी देखा ये मुकेश जी देखा हमारे दे धर्म के धर्मेंद्र जी थोड़ा अपने बोल सुना दीजिए। मुकेश जी जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरी राहों में नजरों को हम बिछाए
मैंने सुना है सभी कलाकार शादी में पहुंच रहे हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं सुनूंगा मोहम्मद अजीज को। अरे अपन में तू चक्रवर्ती बोलता है, मोहम्मद अजीज को तो अपन में सुनना चाहता है। अरे बड़ा शौक है मुझे मोहम्मद अजीज की, तो मोहम्मद अजीज का जब करता हूं दिल एक टूट